जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ सबके सामने मुजरा कर दूँ, लेकिन नहीं, कंट्रोल करना है, ठीक है। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा और कादिर का कहीं का मूड बन चुका है और हम लोग वहाँ निकल रहे हैं। एक्चुअली सीन ऐसा है ना कि कादिर साहब ना अब ऑफिशियली ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चुके हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता हुआ सारा। तो इस बंदे की ना एक ट्रीट थी मुझ पर, ठीक है, इसने मुझे देनी थी ट्रीट। तो वैसे प्रीवियस वीक हमारा मूड था कि हमने वहाँ जाना है, लेकिन नहीं जा सके, मसरूफ़ थे, ये मसरूफ़ था, मैं भी था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं और ये बंदा ट्रीट मुझे दे रहा है मोनाल में, ठीक है। तो अभी मैं और ये बस निकले हैं मोनाल के लिए, अभी I-14 में है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र, रास्ते में कहीं कहीं वीडियोस भी बनेंगी, सब कुछ होगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं चला रहा हूँ बाइक, ठीक है, इसलिए ना रास्ते वाली वीडियो थोड़ी सी कम होंगी, बस 2-3 स्पॉट होंगे जहाँ पे हम रुकेंगे, बाकी जो थोड़े टाइम लैप्स होंगे वो ये साहब बनाएगा, ठीक है। तो यार बाल जैसे भी आ रहे हैं ना मेरे, उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहना हुआ है हेलमेट और मेरे हाथ ना एकदम कोरा बने हुए हैं, क्योंकि बाइक मैं ही चला रहा हूँ। ये बंदा आज नहीं चला रहा, कहता यार तू ही चला क्योंकि तेरा बाइक और आगे सारी चढ़ाई है। मैं कहा ठीक है। और इस जगह पर मैं पता क्यों रुका हूँ आपको ना, यहाँ का व्यू दिखाने के लिए। ये रही हमारी फैसल मस्जिद, जो हमारा ओल्ड कैंपस है, और यहाँ से ना कुछ ऐसा व्यू है, मुझे यहाँ का व्यू अच्छा लगा, ठीक है। पता नहीं आपको कैमरे में कैसा लग रहा है कैसा नहीं, लेकिन मुझे ना इस व्यू ने बड़ा अट्रैक्ट किया है। और इंशाल्लाह थोड़ा सा ऊपर और जाए ना तो वहाँ पे भी खड़े होते हैं, वहाँ से भी एक व्यू दिखाएंगे, और मोनाल से आपको पता है बैठ के तो एक अलग व्यू होगा, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आपको सब भी दिखाएंगे। और वहाँ जा के डिसाइड करते हैं कि हम मोनाल में बैठेंगे या लाम मोनेंटा, जो उनका आई थिंक दूसरा है, उसमें बैठेंगे। वैसे मेरा मूड जो है ना बफे खाने का, ठीक है, बफे और बफेट, ठीक है, वो खाने का, क्योंकि उसमें ना वैरायटी होती है यार, आप हर चीज़ मतलब खा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। मैं लास्ट टाइम गया था ना ला मोनेंटा में, तो यकीन करें ऐसी ऐसी डिशेस खाई थी जो कभी पहले नाम ही नहीं सुना हमने। और इसको मैं यही कह रहा था यार वो ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी डिशेज होती हैं। और ये देख लें एक दफ़ा और व्यू, तो अब आगे की जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यार हमारे साथ हो गया हाथ कैसा हुआ है कि मेरा मूड था ला मोनेंटा में, ठीक है, लेकिन ला मोनेंटा में हम लोग आए तो वो कहते हैं रिजर्वेशन चाहिए होती है, ठीक है, और बफे सिस्टम जो है ना वो तकरीबन फुल है, इसलिए ना अब वहाँ से हम लोग निकल के जा रहे हैं मोनाल वाली साइड पे, और अब मोनाल ही जाना पड़ेगा हमको, और चेक करते हैं मोनाल। यार मूड फिर हमारा चेंज हो चुका है, वहाँ पे गए हैं तो सीन ऐसा है ना कि सेटिंग अच्छी है, लेकिन यार मेरा मूड जो है ना वो बफेट खाने का, और इस बंदे का भी बफेट पे दिल मैंने लाया, मैंने कहा यार बफेट खाते हैं, दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब एक डिश खानी है बफेट में, यह ना वैरायटी होगी, ठीक है। सो बफेट ट्राई करेंगे और दोबारा आ गए इधर हमें वेट करना पड़ेगा 9 तक वेट करेंगे, और निकलते हमें 11 हो जाएंगे, लेकिन यह है कि हफ्ते में एक दिन निकलें तो अब इतना तो बनता है ना यार। तो यार वेट के लिए हमें बैठा दिया गया, क्योंकि जो हमारा बफे है ना वो तकरीबन 9 बजे स्टार्ट होना है, बफेट होता है, ठीक है। तो मुझे पता है फिर बहुत से लोगों ने ना मेरी मिस्टेक्स निकालनी थी, बफे नहीं बफेट बोलते हैं उसको, सो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, खाना हमने बफेट किया, दूसरे में कोई मज़ा नहीं है भाई, वो खाना हो तो हम कहीं और से खा लें, समझ आई ना। सो म्यूज़िक वगैरह लगा हुआ है यार बैकग्राउंड में, बड़ा फिट माहौल है, लेकिन एक बंदा है वो कह रहा है कि यार जैसा मैंने सुना था ना वैसा नहीं है मोनाल, ये बंदा, ठीक है, ये बंदा कह रहा है वैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। लाइक होता है ना, हर किसी की अपनी पसंद है, किसी की नहीं है, सो मुझे तो अच्छा लगा है यार, मैं पहले भी आया हूँ, मुझे काफ़ी लाइक वो फील अट्रैक्टिव है। सो देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, और बफेट का हमने अभी तक मेन्यू नहीं देखा कि क्या क्या है बफेट में, वो आप जिस टाइम खाएँगे तब ही देखेंगे। अभी टाइम हुआ है 8 होने वाले हैं और 1 घंटा मज़ीद हमें वेट करना है, और घर जाते जाते ना 12 तो पके हैं, और मज़ा हमें तब आना है जिसमें हम ठंड में बाइक चलाएंगे। और बाइक मैं किस लिए लाया हूँ, एक एडवेंचर के लिए, मैं कह यार बाइक लेके जाएंगे, गाड़ी नहीं लेके जाते,
एक एडवेंचर ही होना है बाइक पे, और अभी एडवेंचर की ना सिस्टर मदर एक होनी है जिस टाइम हम जाएंगे तब। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर जिस टाइम मेन्यू वगैरह सब कुछ सामने आया तो वो चीज़ें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, और दिखाएंगे कि आज कादिर कैसे खाते हैं सारी चीज़ें। देखेंगे ना कैसे खाओगे, वो तो आपका तब पता चलेगा ना। हाँ सर, वैसे हमें ना टाइम 9 बजे का इन्होंने दिया था, लेकिन जल्दी फ्री कर दिया यार, बहुत वेट करवाते हैं आप सीरियसली। वालेकुम सलाम। यार हमें ना इन्होंने जल्दी बुला लिया क्योंकि स्पेस फ्री हुई और हम लोग ना एंट्री मार चुके हैं, ये चीज़ें वगैरह डालते हैं अपने लिए। इधर आ जाओ, उधर से प्लेट ले ले, उधर से पहले प्लेट ले ले और उधर से चीज़ें वगैरह डाल ले। तू उठा ले यहाँ से प्लेट, मेरे लिए भी उठा ले। एग फ्राइड राइस, चावल, अच्छा चिकन मंचूरियन, नहीं ये भी नहीं सही, वेजिटेबल चाउमीन, चाउमीन डाल थोड़ी सी, हाँ डाल थोड़ी सी। उसके बाद आगे जी सब्जियाँ, ये घर में हम खाते रहते हैं, चस्का हांडी, वाओ नॉइस, एंड लाहौरी चने, एंड दिस इज़ बीफ हलीम, माय ऑल द टाइम फेवरेट। यार अभी फ़िलहाल खाना डाल लेना, चीज़ें वगैरह कुछ उठा के नए, और ये भी ट्रेलर है ठीक है, ये मैं सारी स्वीट्स डाल के लाए, स्वीट्स मैंने खानी है सही वाली, और ये भी ट्रेलर है, मुझे भी पता चला है, फिश भी है और बारबेक्यू भी है, हलवा पूरी भी है ठीक है, लेकिन पहले ये मार लें उसके बाद उधर चलते हैं ठीक है, स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह करें। पर हलीम जो है ना इनकी, ये मेरी ऑल द टाइम फेवरेट है, मैं जब भी आया हूँ ना मैंने ये लाजमी खाई है यार। यार ये चेक करें यार स्वीट्स की वैरायटी, मैं तो लेके गया हूँ अपनी प्लेट में, लेकिन अभी और लेके जाऊँगा क्योंकि बड़ी भूख तो नहीं लगी, अलबत्ता ट्राई हर चीज़ करनी है यहाँ पे इंशाल्लाह। तो यार अब एंट्री जो हुई है ना कबाब की और मछली की, या मछली कल भी खाई थी लेकिन फिर कादिर कहता यार और डाल के लाओ, अभी मैंने उसे अंदर भेजा हुआ, मैंने कहा यार जाके अंदर से चटनी वगैरह लेके आओ, चटनी वगैरह के साथ खाएंगे, ऐसे नहीं खाते ठीक। तो अभी बड़ी डिशेज पड़ी हुई यार चेक करने के लिए, लेकिन चेक हमने सब कुछ करना है इंशाल्लाह, छोड़नी कोई चीज़ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी आज इंशाल्लाह। आधा आधा डालना, नहीं वो पूरा फैलेगा, मोहलता ही नहीं है फिर यार, ये चीज़ जो है ना बहुत आला चीज़ है ठीक है, ये पता कैसे खाते हैं ये ना, फुल चॉकलेट है, मोहलता ही नहीं, फिर आधा डालो नहीं करके ना, कसमें मैं इतना मीठा खा रहा हूँ मुझे उल्टी आ रहा है यार। सीन ऐसा है ना कि मेन्यू का टाइम स्टार्ट हुआ था 8:30 बजे ठीक है, और ख़त्म होना 10:30 से 11:30, तब तक मैंने नहीं उठना ठीक है, क्योंकि ना बिल बहुत ज़्यादा दिया है, पहले ला के रखा है ताकि ये लोग ना खाएं और उठ के चले जाएं, पुत्रों और मेरे बच्चे लगते हैं। खैर मसले वाली बात कोई नहीं है ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो भाई लड़कियों की और लड़कों की ना मोस्ट फेवरेट जगह है गोलगप्पे वाला सीन ठीक है, गोलगप्पे वगैरह बनवाते हैं, ये भी ट्राई करते हैं इनके, हम ना वो सिटी वालों के और इनके इधर उधर चेक करते हैं, लेकिन आज इनके भी चेक करते हैं ना। ये बंदा जो है ना, ये बंदा यकीन करे रज ही नहीं रहा, इधर देखें और आग है। अब ये जो है ना, ये तो फ्रूट चाट है ठीक है, इसमें सिर्फ सेब डाला हुआ है और तो कुछ है ही नहीं, और एक ये जो है ये पेस्ट्री, मैंने इसे कहा यार ले के आओ, बाकी इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आ रही है क्या चीज़ है, खीर वगैरह नहीं है, चेक करता हूँ इसको, चम्मच देखिए, चम्मच भी हमारे लिए पैक रखी हुई है, पेट हमारा हो चुका है फुल, लेकिन ना बख्शना नहीं आज पेट को, आज पुत्र कल का दिन बचू हमारा पका वॉशरूम में, मैं तो इतना देख के पता। अच्छा ये पकड़ यार, मैं चेक करके हिस्से का भी खा, क्योंकि पता क्या वो सीधे हाथ से खाएंगे ना, फिर बड़े लोग कहते हैं कि यार सीधे हाथ से।
नींद आए। किसी के साथ खाने के लिए लाया था समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मीठे थे ना वो। वो मैं लेके आता हूँ उधर से सफर का। मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैंने चीज कोई भी नहीं छोड़नी। हंसना है मेरे पे, हंसो, भेजा कोई मसला नहीं। क्या हुआ? अब क्या लाना? मैंने मैंने छोड़ना कुछ नहीं है, सब मैं भी खा लिया यार। मैं ना अभी कादिर से बात कर रहा था, मैंने कहा जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ सबके सामने मुजरा कर दूँगा, लेकिन नहीं, कंट्रोल करना है, ठीक है, ज़्यादा भी ना वो ओवर फ्लो में नहीं बहना ना, इसलिए ना सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं। नहीं दी जा रही यार, मैं समझ नहीं आ रही है चीज़। ये वाली खा, मैं नहीं खा रहा थोड़ी सी। यार ये पेस्ट्री जो है ना स्टार्ट में मीठी है, एंड पे कड़वी है, ये वाली मज़े की है, ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली। अब मैं इसलिए नहीं खा रहा, मेरा पेट फुल हो चुका है, मुझे उल्टी आ रही है। एक दफा हम एक दफा मुंह कड़वे वाली बात वो आए भी पीते हैं। किसी ने चाय पी नहीं? चाय दुकान है यार, ये चाय आप सब ने पी है क्यों? ये खानी थी यार, नहीं यार बहुत कड़वी है। अब बारी आती है इस बंदे की यार, रजने का नाम नहीं ले रहा। इसको उठा ना, कब उठा वहां से सूप डाल। अब एंड पे ना बस ये चीज हमारी लास्ट है यार, इससे ज्यादा नहीं खा रहे। ये वाला डालो थोड़ा सा, अंडे वाला सूप बस। अब वो डालो ना, थोड़ी थोड़ी डालो, थोड़ा सोया भी डालना, वो भी डाल दो चमचे, चम्मच। चलो आ जाओ बाहर यार। आपको वैसे मैं एक बात तो, मेरा अपना पेट जो है ना फटने वाला हुआ, सीरियसली फटने वाला हुआ, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं हवा बहुत। ये बड़े तेज हैं अपनी तरफ से, और यहाँ से व्यू चेक करें, व्यू आ रहा है सही वाला, लाइक ऑसम व्यू है यार, ऑसम ऑसम, समझते हैं आप लोग ऑसम। रुकें आपको वहाँ से जाके ना हम लोग दिखाते भी हैं व्यू ज़रा, ठीक है, होने दो। आहा, मैं जिस टाइम लास्ट टाइम आया था ना, मैं आपको बता रहा था कि मैं आया था यहाँ पे, तो यहाँ से हाइकिंग करते करते आया था। उस दिन मैं हाइकिंग करके आया था, और ट्रेल 3 से हम लोग आए थे, तो इतना लंबा रास्ता, तकरीबन मुझे ना डेढ़ दो घंटे हमें लगे थे। और जिस टाइम वहाँ पहुँचे ना, यहाँ से मतलब इस जगह से ना, जिस टाइम एंड पे मोनाल नज़र आया ना, तो जान में जान आ गई थी कि भाई हाँ पहुँच जाए हैं हम लोग मोनाल। लेकिन उस दिन ना अल्लाह अल्लाह करके हम आए थे। चल यार सूप ट्राई कर फिर चलें, बस ये सूप हमारा एंड है, और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो भाई अब एंड हो चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं खाने हो रहा। भाई यार एक चीज़ तो बताएं, ये एक पेस्ट्री में कौड़ी क्यों है कड़वी? वो वाली है पीछे। हाँ हाँ, स्टार्ट में मीठी है, एंड पे कड़वी है। हाँ वैसे हमने चेक की है ना, तो उस वजह से फिर साइड पे कर दी थी, ठीक है। लेकिन यह कि वो स्टार्ट में मीठी है, एंड पे कड़वा पाना आ रहा है उसका, और बहुत ज़्यादा। तो बॉल्स ख़त्म हो गई है। तो मेरा एक वो जो चॉकलेट मैंने नहीं खाई थी बॉल्स वाली, वो बड़ी पसंद आई है, लेकिन यह कि वो ख़त्म हो चुकी है। मेरा और कादर का मूड बन गया, तो महंगा 5-6 उठा के एक ही दफ़ा खाएंगे, लाइक मुंह हिले ही ना, हमारा ज़ुबान भी नहीं हिलनी थी, वो खा लेते लिटरली हमारी ज़ुबान नहीं हिलनी थी। पहली दफ़ा इसने खाई है, इसका मुँह ही नहीं खुल रहा था। मैंने तुम्हें देखा पूरी डाली है, मैंने कहा मैं भी पूरी डाल रहा हूँ यार। तो मैंने वैसे ही डाली, मुझे तो नहीं पता, मैंने समझा कि कोई केक टाइप है, मुझे नहीं पता था मतलब प्योर चॉकलेट है। मैंने तो डाल ली, गलती कर ली, इस बंदे ने भी मुझे देख के पूरी डाली है, तो बस फिर ख़त्म हो गया सीन। सो सूप वगैरह यार, सूप अच्छा है, मैं ये सूप ख़त्म कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को मज़ीद शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।